जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित, जिसमें हमने लगभग 4 प्रश्न वाला ही कंप्लीट कर ली है। हमने पहली प्रश्न वाला, दूसरी और तीसरी और चौथी, 4 प्रश्न वाले ऐसे करके हमने पूरी कर ली है। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई है, तो उसको ध्यान से देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोज भी आपको मिल जाएं। ठीक है, अब चलते हैं अपन प्रश्न वाला 12 की तरफ। प्रश्न वाला 12 अपन पढ़ेंगे, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। अब ये हीरोन क्या है, हीरोन का सूत्र क्या है, हीरोन के सूत्र कहाँ काम आता है, इसमें कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार से होता है, तो ये सब कुछ अध्ययन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। अब ध्यान रखना, ये जो हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का जो सूत्र है वो केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल में लगता है। किसके क्षेत्रफल में लगता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में उपयोग आता है। लेकिन अब देखो, त्रिभुज अगर हम बात करें भुजाओं के आधार पर, तो 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। इन तीनों के क्षेत्रफल के लिए अपन हीरोन के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, अपन हीरोन के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि हीरोन का जो सूत्र होता है वो विषमबाहु त्रिभुज में ही लगता है। यानी हीरोन का जो सूत्र लिखेंगे वो या तो ये बोल सकते हो आप कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर आप उसको बोल सकते हो हीरोन का सूत्र। ठीक है, अब देखते हैं सवाल क्या है अपने पास। अपन पढ़ने जा रहे हैं हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। ठीक है, अपनी प्रश्न वाला 12 है, इसका नाम ही क्या है मेरे पास, हीरोन का सूत्र। ठीक है, अब मैंने बताया कि त्रिभुज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। पहला होता है समबाहु, पहला कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। और दूसरा बात करें समद्विबाहु, कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है बेटा विषमबाहु त्रिभुज, कौन सा होता है? विषमबाहु त्रिभुज। ये 3 त्रिभुज जो होते हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अपन हीरोन के सूत्र का उपयोग करते हैं। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम हीरोन के सूत्र से निकालने चाहें तो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, और समद्विबाहु को निकालना चाहे निकाल सकते हैं, विषमबाहु को निकालना चाहे निकाल सकते हैं। देखो, हीरोन का सूत्र होता क्या है वो अभी अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले देखो, ज्ञात होना चाहिए दिमाग में कि ये जो मैंने त्रिभुज लिखे हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये होते क्या है? तो देखो, ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान। सम यानी क्या होता है बेटा? समान होता है। और भाव यानी भुजा, समान भुजा। अब बताओ, समान भुजा वाला त्रिभुज, त्रिभुज के नाम से आ रहा है कि त्रिभुज कैसे बनता है? 3 रेखाओं के द्वारा गिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो बताओ, समान भुजाएं, कितनी भुजाएं समान होंगी? 3 भुजाएं समान। तो तीनों भुजाएं समान, तो इसमें क्या होगा? तीनों भुजा समान है तो कौन सा त्रिभुज रहेगा आपके पास? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज रहेगा। ठीक है, अगर अपन बात करें समद्विबाहु, सम यानी क्या होता है बेटा? समान। और द्वि यानी दो होता है, द्वि यानी दो और बाहु यानी भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजा तो क्या हो? आपस में समान, और एक भुजा जो बच गई असमान। और विषमबाहु का मतलब होता है, विषम का मतलब होता है बेटा असमान। विषम का मतलब क्या होता है? असमान। और भाव यानी भुजा, असमान भुजा वाला त्रिभुज आपको क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब देखो, त्रिभुजों का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक त्रिभुजों का ज्ञान नहीं होगा, इनकी परिभाषा ही हमको मालूम नहीं होगी, तब तक हम हीरोन का सूत्र नहीं लगा सकते, अब इनका सूत्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र होता क्या है, इस सूत्र से तीनों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, वो आज हम करने वाले हैं। आपको पूछ ले एग्जाम में ये दे देगा प्रश्न, ध्यान से सुनना कि भाई ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। किसके सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए बेटा? हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, हीरोन का सूत्र वैसे तो होता है, देखो हीरोन का सूत्र नोट कर लेना ध्यान से,
हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एस कोस्टेक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, जहां आपका जहां क्या होता है बेटा, ये जो एस होता है ना वो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोलते हैं इसे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अब अर्ध परिमाप का मतलब हो गया आधा परिमाप, परिमाप का आधा, आधा परिमाप नहीं परिमाप का आधा, यानी कि अपन बात करें त्रिभुज का परिमाप होता है बेटा तीनों भुजाओं का योग। जैसे मेरे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, अब तीनों भुजाएं ये पांच है ये चार है ये दस है जो भी है, अब इसका परिमाप पूछता है तो क्या आएगा, पांच प्लस चार प्लस दस, यानी कि कोई सा भी त्रिभुज हो उन सब में परिमाप क्या होता है बेटा तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहां पर अर्ध परिमाप पूछा है, अर्ध का मतलब आधा, आधा का मतलब बटे में क्या कर देना है मेरे को, दो का भाग दे देना है, किसके बटे में, तीनों भुजाओं के योग में। तो जहां ये जो ए बी सी है ना ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तो आपका एस का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, पहले आप एस निकालोगे उसके बाद हीरोन का सूत्र लगाओगे। यानी कैसे, देखो आपको दे देगा सवाल ये राजे से, आपको दे दिया कि एक त्रिभुज इसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, आप इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताओ ये कौन सा त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों भुजाएं असमान, अभी भी बताया मैंने, तो जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है वह त्रिभुज कौन सा कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ के यहां पर दो का भाग दोगे वो आपका ऐसा आएगा, फिर बारी बारी से ये भुजाएं घटाते रहना, ठीक है, ऐसा सूत्र निकलता है। तो हम तो पढ़ रहे थे केवल अभी हीरोन का सूत्र, तो ये हीरोन का सूत्र होता है हमारे पास। ठीक है, इस हीरोन के सूत्र को ध्यान से सुन लेना और अच्छे से समझ लेना, अभी इसी सूत्र से अपन समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखो ध्यान से, अभी बाद में लिखूंगा हीरोन का सूत्र, अभी तो देखिए अच्छे से इनको याद कर लेना। अब पहला पॉइंट होता है मेरे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल होता है बेटा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए पहले बात करें हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो मैं आपको बता दूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा अंडर रूट तीन बटे चार गुणा भुजाई स्क्वायर, क्या होता है बेटा भुजाई स्क्वायर, या अपन बोल सकते हैं अंडर रूट तीन बटे चार और भुजा को ए मान ले तो ए स्क्वायर, ये होता है एक्चुअली में। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, अंडर रूट तीन बटे चार गुणा में ए स्क्वायर, लेकिन इसको प्राप्त करना है कौन से वाले सूत्र से, हीरोन के सूत्र से हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। अब ये देखो ये का ये आएगा, किस सूत्र से लाएंगे अपन, हीरोन के सूत्र से लाएंगे। देखो मैं आपको बता दूं यहां पर देखना, जैसे ये मेरे पास त्रिभुज है, जैसे ये मेरे पास त्रिभुज है, देखो ध्यान से, और त्रिभुज में कौन सा लेने जा रहा हूं समबाहु, ये मेरे पास देखो त्रिभुज हो गया, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, कौन सा त्रिभुज कहलाता है ये समबाहु। ठीक है, माना इसकी भुजा ए और ये भी क्या है ए है और तीसरी भी क्या है ए है। ठीक है, अब ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया मेरे पास, अब तीनों भुजाएं क्या क्या होगी, पहली ए दूसरी भी ए और तीसरी भी ए हो गई है। अब इसका अपन क्षेत्रफल निकालेंगे और किस सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। तो पहले हीरोन के सूत्र में हम निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस का मान निकालते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, यानी तीनों भुजाओं का योग। देखो अर्ध परिमाप का वैसे फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का परिमाप बटे में दो, त्रिभुज का परिमाप बटे में दो, यानी त्रिभुज के परिमाप का आधा। तो अब देखिए त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, तो जोड़ दो तीनों को, ए प्लस ए ए प्लस ए प्लस ए और बटे में दो, तीनों को ऐड किया कितना आ गया, तीन ए बटे में दो, ये आपका एस का मान आ गया ना, तीन ए बटे दो एस का मान आ गया। अब लगाते हैं अपन हीरोन का सूत्र,
तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे, तो क्या है बेटा सूत्र बताइए, रूट में एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी है। अब यहां रख देते हैं सारी वैल्यूज, तो देखो एस का मान क्या है बेटा 3a/2 गुणा एस 3a/2 माइनस ए, यानी देखो अभी जो ए बी सी है ना, इस ए बी सी का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो यहां पर अपने पास तीनों भुजाएं तो ए ही है, तो अपन तीनों की जगह क्या रखेंगे ए ए रखेंगे, ठीक है, तो यहां पर भी ए हो जाएगा और यहां पर 3a/2 माइनस ए, और यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा 3a/2 माइनस ए, ये हो जाएगा, ठीक है। अपन इस सबको हल कर देते हैं, नीचे क्या लगाएंगे एक लगाएंगे, नीचे क्या लगाया एक और नीचे क्या लगाया एक, ठीक है। या देखो ये हो गया मेरे पास 3a/2, ये तो ये आ गया गुणा, अब इसमें से इसको घटाओ बराबर है ना, किसी एक को घटा लो अपना आंसर आ जाएगा, देखो 3a/2 माइनस a/2 a/1 एलसीएम लिया 2 आया, यहां बच गया 3a और माइनस का 2a, 3a में से 2a गया तो बच गया a/2, क्या बच गया मेरे पास a/2, इधर भी क्या बचेगा a/2 और इधर भी क्या बचेगा a/2 बचेगा मेरे पास, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो क्या होगा a/2, अब इन सबको गुणा करेंगे, तो यहां देखिए ध्यान से देखना 2 × 4 4 × 8 और 8 × 16 हो गया, तो नीचे तो आ गया बेटा मेरे पास 16, 3 अकेला बच गया और 1 2 3 4 एक की पावर कितनी आ गई बेटा 4 आ गई, ठीक है 4 आ गई ना। अब बताओ मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, 3 का रूट होता है क्या, नहीं होता, तो वो तो रूट में रह गया, 1 की पावर 4 है, इसका वर्गमूल होता है ए स्क्वायर और बटे में 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये आपके पास आंसर आपको प्राप्त हो गया, देख लो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। बताओ किस सूत्र से हमने प्राप्त कर लिया, हीरोन के सूत्र से इसको हमने प्राप्त कर लिया है। क्या था सवाल कि यदि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए है, आएगा ये आपके प्रश्न वाला जब स्टार्ट होगी उसमें पहला प्रश्न यही है, तो इसको ध्यान से समझ लेना और ये आपका ऐसे कैसे आंसर आ गया, क्या पूछ रहा उसमें कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए, तो वो ये मैंने हीरोन के सूत्र की सहायता से इसको ज्ञात कर दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, ये तो हो गया मेरे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज की ओर, सॉरी समद्विबाहु पढ़ते हैं पहले, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा, ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्या हो समान, जिसकी दो भुजाएं तो समान और तीसरी भुजा क्या है बेटा असमान है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज को अच्छे से समझेंगे, वही हीरोन के सूत्र से हम ज्ञात करने वाले हैं, वही हीरोन के सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो ये तो हमने कौन से वाले सूत्र से ज्ञात कर लिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, किससे हीरोन के सूत्र से। अब ज्ञात करेंगे समद्विबाहु का, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार लिख लेते हैं अपन, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, b/4 √4a² माइनस का b² ये फॉर्मूला होता है, जहां ये जो a है ना, जहां a तो है समान दो भुजा और b है जो बच गई मेरे पास असमान भुजा, कौन सी है बेटा असमान भुजा, ठीक है b असमान हो गई और a जो है समान वाली दो भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान, तो समान होंगी a होगी। देखो अब मैं बनाता हूं चित्र, देखिए जैसे ये मेरे पास त्रिभुज है, ये भुजा a होगी तो ये भी कितनी होगी a, दो भुजा समान है और एक भुजा मैंने अलग कर दी, तो असमान भुजा को भी बोल दिया, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हो गया बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसी को हीरोन के सूत्र से निकालेंगे, तो बताओ पहले अपन क्या करने वाले हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, वही एस का मान तीनों भुजाओं का योग,
ए प्लस है ए प्लस बी और बटे में दो, तो ये क्या हो गया बेटा ए और ए, दो ए प्लस बी बटे में दो आपका अर्ध परिमाप आ गया। पिछले वाले में क्या था कि तीनों भुजाएं ए थी, मैंने तीनों को जोड़ दिया, तीन ए बटे दो आ गया था, लेकिन यहां पर दो तो ए है और तीसरी क्या है बी है, तो ये मेरा दो ए प्लस बी आ गया। अब मैं लगाऊंगा हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र लगाऊंगा, क्या है मेरे पास फॉर्मूला बताओ, एस कोष्टक ए एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी है, ठीक है। अब लगाते हैं अपन फॉर्मूला, ध्यान से देखना, सबसे पहले एस है ना बेटा, एस क्या है मेरे पास टू ए प्लस बी बटा दो और टू ए प्लस बी बटा दो, पहली भुजा आप क्या रखते हो ए रखते हो तो माइनस ए कर दिया, दूसरी भुजा हम रखते हैं 2a प्लस बी बटा दो, ये तो ये कहीं आएगा s का मान यही आएगा ना, और दूसरी भुजा हम रख लेते हैं b माइनस बी बटा दो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप दूसरी भुजा b रख देते हो तो भी 2a प्लस बी आएगा और b घटाना है ना, केवल केवल b घटाना है, सॉरी यहां पर देखो 2a प्लस बी बटे दो माइनस फिर a घटाना है, क्यों a तो दो बार इसलिए घटाया क्योंकि दो भुजा तो a है तीसरी भुजा b है, ठीक है b मैंने घटा दिया। अब देखते हैं ध्यान से देखना, यहां पर तो बच गया 2a प्लस बी बटे में दो, ये तो अलग है, नीचे क्या लगाऊंगा एक, नीचे क्या लगाया एक और नीचे क्या लगाया एक, इनको हल कर लेता हूं मैं, इधर देखो 2a प्लस जैसे हल किया 2a प्लस बी बटे दो माइनस का a बटा एक, दोनों का एलसीएम लिया कितना आ गया दो आ गया ना, इधर बच गया 2a प्लस बी और इधर दो से गुणा हो गया 2a, तो 2a से 2a कट गया बेटा, क्या बच गया b बटे दो, तो गुणा b बटे में दो। अब इसको घटाता हूं, बहुत सिंपल है देखो ध्यान से देखना, अब इसको घटाएंगे तो 2a प्लस बी बटा दो माइनस बी बटा एक, एलसीएम लिया दो, यह आ गया 2a प्लस बी और माइनस का 2b आ गया, अब देखो 2b में से एक भी गया तो माइनस का b बच गया, तो ये बच गया मेरे पास 2a माइनस का b बटे दो, गुणा वापस a घटाऊंगा तो a घटाया जब क्या आया था b बटा दो, यहां पर भी मेरे पास क्या आएगा b बटे दो आएगा, b बटा दो आएगा। अब देखते हैं सवाल कैसे होगा, यहां पर देखिए ये बच गया नीचे दो दुनी चार, चार दुनी आठ और आठ दुनी सोलह, तो नीचे तो सोलह बच गया, ठीक है, और सोलह का वर्गमूल कितना होता है बेटा चार, तो ये तो चार आ गया बाहर, चलो मैं यही लिख देता हूं, पहले सोलह लिख दिया, ठीक है सोलह लिख दिया। अब यहां देखो बी को बी से गुणा करोगे बी स्क्वायर, ये तो अलग आ गया, और यहां देखो एक बार प्लस में और एक बार क्या बेटा माइनस में, ऐसे लिख दू क्या 2a प्लस बी और 2a माइनस बी लिख दिया। अब देखो b का रूट क्या होता है, b का रूट होता है बेटा b का रूट क्या b स्क्वायर का रूट क्या होता है b, और 16 का क्या होता है चार, तो ये तो बाहर आ गए और बाकी रूट में रह गया b बटा चार, ये तो बाहर आ गए, देखो ऊपर ये बन रहा है ऐसे कैसे आ रहा है ना। अब यहां देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दो दुनी चार ए स्क्वायर माइनस बी, क्या अपने पास बी है बी का स्क्वायर, ये आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। कौन से सूत्र से प्राप्त किया हमने, हीरोन के सूत्र से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने प्राप्त किया है। अब यह हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब चलते हैं अपन विषमबाहु त्रिभुज की ओर, तो ध्यान से सुनना, आपको मैं बता दूं यहीं पर कि विषमबाहु में क्या होता है, तीनों भुजा क्या होती है ऐसा मान होती है, पहली ए लिया बी लिया और तीसरी क्या ले लिया सी, तो याद ध्यान से सुनो तीनों भुजा यदि लोगे ए बी सी तो ये का यही रहेगा, यानी कि जो मैंने अभी शुरू में बताया कि जो आप हीरोन का सूत्र लगाने जा रहे हो ना उसी को आप कह सकते हो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो ये जो हीरोन का सूत्र जो होता है आपके सामने वो होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है, उसको निकालने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप निकालोगे तो भी वापस यही आएगा, हीरोन का सूत्र ही निकल के आएगा, तो याद ध्यान से सुन लेना जो हीरोन का सूत्र है वही विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो ये तो हो गया मेरे पास त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, अब चलते हैं आगे प्रश्नमाला की तरफ, ठीक है बेटा। तीन
तीन चित्र आते हैं अपने पास, तीन त्रिभुज आते हैं, तीनों त्रिभुजों का मैंने आपको फॉर्मूले समझा दिए हैं, किस तरीके से हीरोन के सूत्र से आपको निकालना था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो प्रश्न वाला एक तरफ चलते हैं, तो देखो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से अध्ययन करना इनको। और देखो अब आगे चलते हैं, बहुत अच्छी प्रश्न वाला है, हीरोन का सूत्र केवल और केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में काम आता है बस ये, और ये खुद जो सूत्र है वो किसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखो प्रश्न वाला की तरफ। एक बात और बता दूं मैं यहां पर कि एक समकोण त्रिभुज होता है, कौन सा त्रिभुज होता है बेटा, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यह भी याद रखिए, इस प्रश्न वाला में काम आने वाली चीज है, यह आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न वाला की तरफ। तो प्रश्न वाला में 12.1 में पहला सवाल आपको यही दे रखा था सबसे फर्स्ट में कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ज्ञात कीजिए, तो वो तो हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके आगे एक और बात पूछ रहा है ये कि यदि संकेत बोर्ड, देखो एक संकेत बोर्ड लगा हुआ था, वो त्रिभुजाकार था, ठीक है, तो त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड है मेरे पास ऐसे, ठीक है। अब यहां पर दे रखा है, ये हो गया मेरे पास संकेत बोर्ड, ठीक। अब यहां दे रखा है इसी में कि संकेत बोर्ड का परिमाप है, संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। और संकेत बोर्ड है बेटा कौन सा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुजकार है। ये जो दे रखा है शुरू में लिख रखा है कि एक संकेत बोर्ड समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो उसका परिमाप यदि ये है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये बताइए त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो माना इस बोर्ड की भुजा क्या है, ए है, ए सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, कितनी है, ए सेंटीमीटर है। क्या लिखोगे, माना संकेत बोर्ड त्रिभुजाकार, माना समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का, संकेत बोर्ड की भुजा, संकेत बोर्ड की भुजा बराबर अपन क्या मान लेते हैं, ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न अनुसार, संकेत बोर्ड का परिमाप दे रखा है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, या आप बोल सकते हैं समबाहु में तीन गुणा भुजा, तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे ए प्लस ए, ए प्लस ए, और बटे में क्या आएगा, तीनों भुजाओं का योग बराबर में क्या दे रखा है, 180, तीन ए हो गया ना, तीन ए बराबर 180, और ए का भाग तीन का भाग देंगे, ये आपके सामने आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक भुजा, प्रत्येक भुजा इसकी क्या हो गई, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज कौन सा है, समबाहु, तो बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है बेटा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो आप देखिए √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 60, 60 का स्क्वायर यानी कि √3/4 60 गुणा में 60 आपके आ जाएगा, 15 × 60 और 15 × 90, यह आपके पास आंसर आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है प्राप्त होगा। या आपके आंसर की में यहां पर कोमा लगा के गलत लिख रखा है, उसको आप √3 कर सकते हैं, क्या आंसर आएगा 900√3। यह आपका पहला प्रश्न आपको कंप्लीट हो गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो देखिए ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन प्रश्न संख्या दो की तरफ चलते हैं, देखो बहुत ही अच्छे सवाल है, सब में हीरोन का सूत्र का उपयोग होगा, सारे बिल्कुल सरल है, हीरोन का सूत्र भी एकदम सरल है, आप उनको अच्छे से अध्ययन करें बस, जिनको सूत्र याद हो गया वो आप सवाल अच्छे से हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या दो की तरफ। प्रश्न संख्या दो क्या है कि किसी फ्लाईओवर में
त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए उपयोग में रखा गया है, विज्ञापन बनाने के लिए। यानी वहां पर कोई भी विज्ञापन दे दिया, फ्लाईओवर होता है ना, उसके नीचे कोई त्रिभुजाकार आकृति है, उसमें विज्ञापन बनाना है। अब त्रिभुजाकार आकृति है तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होगी, तीनों भुजा काम आएंगी। तो अब देखिए ध्यान से देखना, और उन तीनों भुजाओं की माप आपको दे रखा है 122, 22 और 120, जैसे आपको चित्र में भी दे रखा है, ऐसा चित्र है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये तो हो गया 120, ये हो गया 122 और ये 20 दे रखा है, ऐसा कुछ आकृति है। यहाँ पर हमको विज्ञापन बनाना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो देखते ही याद आ रहा है दिमाग में कि ये त्रिभुज कौन सा बेटा, विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा है? विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब है ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, असमान ही है। तो हम इसका पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर आगे जो भी दे रखा है उसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, देखो ध्यान से देखना। अब देखिए, पहला है त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुजाकार आकृति की, त्रिभुजाकार आकृति की भुजाएं, त्रिभुजाकार आकृति आपको दे रखे, त्रिभुजाकार दीवार दे रखा है, त्रिभुजाकार दीवार ही दे रखा है, दीवार लिख लेते हैं अपन, त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं। तो ए का मान मान लेते हैं 122 मीटर, बी मान लेते हैं 120 मीटर और सी मान लेते हैं अपन 20 मीटर की, ठीक है। तीनों भुजा अलग अलग है। पहले निकलेगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस का मान निकलेगा, और एस का मान होता है बेटा तीनों भुजाओं को टोटल बटे में दो, 122 प्लस 120 प्लस 20 और बटे में दो आ गया। ध्यान से देखना, इन तीनों को जोड़ेंगे, ये हो गया मेरे पास 200 और 262 हो गया, लगभग दो का भाग दिया 122, 120 और 22 है बेटा, ये तीसरा है 22, 22 मीटर है, 22 मीटर है। देखिए यहां पर 22 करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास, 24 आ जाएगा, 64, दो एकम दो, दो तीन छह, दो दुनी चार, ये हो गया अर्ध परिमाप। कितना बेटा, 132 मीटर इसका अर्ध परिमाप हो गया है। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे, तो हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से दीवार का क्षेत्रफल, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं। अब यहां पर आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि हीरोन के सूत्र से, क्योंकि आपको पता है आप कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हो, विषमबाहु का निकालने जा रहे हो। किसका निकालने जा रहे हो बेटा, विषमबाहु का, और वो आएगा केवल हीरोन के सूत्र से ही। तो क्या लिखोगे, दीवार का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है मेरे पास, ओके। यहां रख देंगे सारे मान, एस का मान कितना बेटा 132, और 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस का 22, ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या करने वाले हैं, यहां देखो 132 ये हो गया और गुणा ये कितना बच गया बेटा, ये बच गया मेरे पास 10 बच गया, ये बच गया कितना 12 बच गया और ये बच गया मेरे पास 110। अब यहां देखो थोड़ी सी समस्या यह आती है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन चारों को गुणा करने में लग जाएंगे और गुणा करके फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। वो तरीका भी सही है लेकिन वो थोड़ा लंबा तरीका है, हम चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं पहले छोटे छोटे टुकड़ों में। देखो कैसे करते हैं बेटा, आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, आप 132 का गुणनखंड कीजिए, बड़ी संख्या का क्यों करते हो आप, छोटी का कीजिए। जैसे आप 132 का करने जाओगे तो 2 6 12 और 2 6 12, ये हो गया 33 और ये 11, ठीक है बेटा। क्या हो गया, 2 गुणा में 3 गुणा में 11, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, 10 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 गुणा में 5, ऐसे सबको लिख दो। 12 को क्या लिखेंगे, 2 दुनी 4 और 4 3 12, 110 को क्या लिखोगे बेटा, ये हो गया 2 5 10 और गुणा में 11, ठीक है। अब जोड़े बना दो, जो जो जोड़े बन रहे हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो अंदर रह जाएगा। कैसे करेंगे बेटा,
ये जोड़ा बन रहा है, इसके साथ इसका बन रहा है और इसके साथ इसका बन रहा है, ठीक है बेटा। तो एक दो और तीन, तीन बार दो बाहर आ जाएगा, दो गुणा दो गुणा दो, सही है। तीन का बन रहा है क्या जोड़ा, ये बन रहा है मेरे पास, एक तीन बार आ गया। ग्यारह का बन रहा है क्या, एक ग्यारह बार आ गया। और पांच का बन रहा है, एक पांच बार आ गया, सारे बार आ गए, कोई नहीं अंदर बचा। तो दो दुनी चार, दुनी आठ, आठ या चौबीस और चौबीस पंजे 120 को 11 से गुणा करोगे 1320 मीटर का स्क्वायर ये मेरे पास दीवार का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। दीवार का क्षेत्रफल क्या है बेटा, 1320 मीटर स्क्वायर अपने पास दीवार का क्षेत्रफल आ गया है। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इस विज्ञापन में प्रतिवर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्राप्ति होती है। कितनी प्राप्त होती है, 5000 रुपए एक मीटर स्क्वायर पे। भाई क्षेत्रफल अपना कितने में आया, मीटर स्क्वायर में आया ना। अब इसको प्राप्ति क्या होती है कि देखो क्या लिखेंगे, चूंकि एक मीटर स्क्वायर विज्ञापन की, देखो एक मीटर स्क्वायर विज्ञापन से प्राप्ति होती है कितनी होती है बेटा, बराबर 5000 रुपए की। तो आप क्या करने वाले हैं, एक 5000 रुपए की होने वाली है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसने आगे पूछा है इस दीवार का विज्ञापन देने के लिए तीन महीने के लिए किराया, तीन महीने के लिए इसको किराए पर लिया गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर प्रति वर्ष जो है 5000 रुपए की इसको क्या होती है, प्राप्ति होती है 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्राप्ति होती है। तो एक मीटर स्क्वायर के कितना प्राप्त हुआ, 5000, तो अपने पास कितना है 1320 मीटर स्क्वायर में प्राप्ति कितनी होगी, 5000 गुणा में 1320। तो गुणा करेंगे, एक दो तीन चार, पांच दूनी दस, और ये आ गया अपने पास मीटर रुपए, ये टोटल रुपए आ गए एक साल के। एक साल के कितने रुपए खर्च होते हैं बेटा, इतने रुपए देने पड़ते हैं, यानी इतने रुपए इसको प्राप्त होते हैं। लेकिन इसने केवल तीन महीने के लिए लिया है विज्ञापन, कितने महीने के लिए लिया है, तीन महीने के लिए। तो बताओ ये तो 12 वर्ष के लिए हो गया, 12 महीने के लिए हो गया, क्योंकि 12 माह के लिए प्राप्ति, 12 माह के लिए, तो क्या हो गया, ये हो गया अपने पास एक दो तीन चार पांच 66 लाख हो गया। तो तीन माह के लिए क्या लिखोगे आप, तो 66 लाख बटे 12 गुणा तीन, तीन चौक 12 और भाग दोगे 4 एकम 4, कितना बच गया, 4 6 24, 4 5 20, ये आपके पास आंसर आ गया। कितना रुपया आ गया, ये देखो आपके पास आंसर है कि 16,50,000 रुपए इसका खर्चा यानी प्राप्त हो गया। देखो ध्यान से देखना, ये विज्ञापन था मेरे पास त्रिभुजाकार, इसका मैंने क्षेत्रफल निकाला, कितना आया 1320 मीटर स्क्वायर आया। फिर ये कहता है कि इसका खर्चा जो है ना, इसके जो प्राप्त होता है वो एक मीटर स्क्वायर पे कितना प्राप्त होता है, 5000 रुपए। तो अपने पास तो 1320 है, उसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 66 लाख रुपए प्राप्त हो गए। कितने प्राप्त हो गए, 66 लाख रुपए प्राप्त हुए। लेकिन वो तो 12 महीने का है, सवाल में दे रखा है प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब बेटा एक वर्ष के लिए। अब हमको तो केवल तीन महीने लेना है उसको विज्ञापन। हमने क्या किया, सवाल बोला कि इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए एक कंपनी ने, एक कंपनी थी जो इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए तीन महीने के लिए किराए पे लेती है, केवल तीन माह के लिए। तो वो कितना लेगा बेटा, तो 12 महीने के हिसाब से उसको डिवाइड किया तो 16,50,000 रुपए लेके चला गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ये हो गया मेरे पास आंसर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या तीन की तरफ, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई आप प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। प्रश्न चलते हैं तीन की तरफ, ये हीरोन का सूत्र काम आया अपने पास, हीरोन के सूत्र से हम सारे हल कर सकते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न, क्या है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी है मेरे पास, ठीक है, उसकी भुजाएं आपको दे रखी है। देखो किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों के सवार एक किसी दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, किया गया है तो उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जहां लिखा हुआ है उसकी भुजाओं के माप अपन देखते हैं, वहां दे रखा है कि यदि इस दीवार की विमाएं, दीवार की विमाएं, ध्यान से देखना, दीवार की विमाएं, विमाओं का मतलब हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होता है, घनाभ में तो क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार की भुजाएं हो गई। अब भुजाएं दे रखा है 15 मीटर,
11 मीटर और 6 मीटर आपको दे रखा है, ठीक है बेटा। अब ये दे रखा है रंग से भरे हुए पेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस केवल जो ये आकृति है ना 15, 11 और 6 वाली, यही केवल रंग से भरी हुई है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो बेटा देखिए अपन क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ये तो हो गया ए का मान, त्रिभुज की भुजा ए बराबर तो 15 मीटर, बी का मान 11 मीटर और सी का मान बेटा 6 मीटर हो गया। पहले निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे दो, 15 11 26 32, 32 में दो का भाग दिया 16 मीटर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब निकालता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालना है, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। बताइए त्रिभुजाकार कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु है, विषमबाहु का मतलब तीनों भुज अलग अलग, कौन सा लगेगा, हीरोन का लगेगा। क्या फॉर्मूला है, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस कितना बेटा 16, 16 माइनस ए 15, 16 माइनस बी 11 और 16 माइनस सी 6, ठीक है ये हो गया मेरे पास। अब हम क्या करने वाले हैं, 16 का 16 उतार दिया, 16 में से 15 गए तो 11 एक बच गया, और 16 में से 11 गए तो 5 बच गया, और 16 में से 6 गया तो 10 बच गया, ठीक है। इनको गुणा करके आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि इसको लिखोगे आप 2 × 2 × 2 और गुणा में 2, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, एक तो है ही, इसको हटाओ 5 बच गया, और 10 को क्या लिखोगे 2 × 5, ओके। अब बढ़ाओ जोड़े, इसका जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया और ये इसका बन गया, बच गया क्या 2, अकेला बच गया, क्या लिखने वाले हैं, ये बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया, और रूट में क्या बच गया 2 बच गया बेटा। तो क्या आंसर आएगा, 2 × 4, 4 × 5 = 20, 20√2 मीटर आपका आंसर, मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया है। क्या आ गया बेटा, इस दीवार का क्षेत्रफल जो हो गया 20√2 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आपको प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं आगे, ये हो गया मेरे पास प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है मेरे पास प्रश्न संख्या 4, सभी को अच्छे से समझे, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है सारे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस केवल सूत्र याद रखिए, जिनके सूत्र याद वो सारे सवाल हल कर सकता है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18, 10 और उनका परिमाप 42 है। दो भुजाएं तो बेटा क्या क्या दे दिया, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आपको दे दिया है, ठीक है। अब इसका परिमाप और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है बेटा, त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर। अब आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का टोटल। माना तीसरी भुजा आप मान लेते हैं सी सेंटीमीटर, इसको मान लिया ए, और ये हो गई मेरे पास बी, हो गई ये हो गई मेरे पास क्या बी। अब बताओ परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा ओ बराबर परिमाप। तो देखो 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर 42, 18 और 10 28 होता है, सी बराबर 42 माइनस 28 कितना हो गया 14 मीटर मेरे पास ये आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया क्या तीसरी भुजा। अब हम निकाल लेंगे क्या इसके सूत्र से, हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप मेरे को ये बताइए कि बताओ ये कौन सा त्रिभुज हो गया, 18 10 और 14 कौन सा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो विषमबाहु हो गया तो इसका सूत्र कैसे निकलेगा, पहले तो निकलेगा अर्ध परिमाप निकलेगा बेटा एस बराबर तीनों को टोटल, यानी त्रिभुज का परिमाप। अब आप ये लिख सकते हैं, देखो दो तरीके आ गए यहां पर, तीनों भुजाओं का टोटल करोगे फिर दो का भाग दोगे, तो तीनों भुजाओं का टोटल करा कराया ना अपने पास 42, या आप लिख सकते हो ऐसे 18 प्लस 10 प्लस 14 बटे 2 वही 42 आएगा, बटे 2 और बराबर क्या बचेगा 21। अब लगाएंगे हीरोन का सूत्र यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओगे बेटा क्या हो जाएगा, एस कोष्टक यानी 21 कोष्टक 21 माइनस 18 21 माइनस 10 और 21 माइनस कौन सा 14 हो गया, ठीक है।
अब ये क्या लिखेंगे बेटा, 21 गुणा 18 गया तो 3, 10 गया तो 11, और 21 में से 14 गए तो 7 बच गया। ठीक है, 21 में से 10 गया तो बेटा 11 बचेगा ना। ठीक है, अब देखो ये क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अब इसको मैं लिख सकता हूं, 21 को 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 और गुणा में क्या आ गया 7, जोड़े बनाइए और 11 अकेला बच गया, तो क्या आंसर आएगा, 7 और 3 तो बाहर आ जाएंगे और रूट में क्या बच जाएगा 11, 7 3 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया बेटा, क्षेत्रफल आ गया। कितना क्षेत्रफल आ गया, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ये मेरा हो गया प्रश्न संख्या 4। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्रश्न 4 तक बारी प्रश्नावली के, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, इसके प्रश्न संख्या 4 तक हमने हल कर लिया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मैकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैथ की बहुत सारी वीडियोज देखने को मिल सके। धन्यवाद।